नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे तो बड़ी सुर्खियां बनी थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्ट यूपी में। दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा ने ब्रेक लिया था तो वो उसके बाद नए साल में उत्तर प्रदेश में 3-4 दिन चले थे और उस समय बड़ी जोर शोर से चर्चा हुई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूँकि वो चलेंगे, लोनी, बागपत, शामली, ये जो इलाका है मुजफ्फरनगर, इस इलाके में वो चलेंगे, तो उस समय भारतीय किसान यूनियन का रुख क्या रहेगा, राकेश टिकैत की जो प्राइवेट लिमिटेड संगठन है उसके बारे में। तो उन्होंने ये कहा था कि साहब हमारे जो पदाधिकारी हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन आम किसान हैं, हम उनको नहीं रोकेंगे। खैर, उसके बाद जब ये हरियाणा में पहुंची यात्रा तो राकेश टिकैत खुद राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, ये बात अलग है। और अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि राकेश टिकैत अब एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहे हैं, एक पार्टी की तरह वो काम कर रहे हैं। अब उनका किसान संगठन वो किसान संगठन नहीं रहा जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के समय में किसानों की समस्याएं उठाया करता था, उनके ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन किया करता था। यही वजह है कि अब मोरल डाउन हुआ है और राकेश टिकैत और उनका जो संगठन है वो अब उस तरह के साहसिक कारनामे नहीं कर पाता है जिस तरह के उस समय किया करता था, क्योंकि उस समय सब बेदाग थे और सब लोग किसानों के हित में खड़े होकर काम करते थे। देखिए, बहुत कम मीडिया ने इसको इस बार तवज्जो दी है कि इन दिनों भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर में, जो राकेश टिकैत का जिला है, उनके बड़े भाई और किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जो नरेश टिकैत, उनका जिला है, उसमें एक धरना दे रहे हैं 28 जनवरी से। कुछ एक दो चैनल्स पर मैंने देखा उसकी छोटी मोटी कवरेज आई, लेकिन उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अजीत अंजुम जो लगातार भाग पड़ते हैं, राकेश टिकैत कहीं कुछ भी कर देते हैं उनके पीछे भाग पड़ते हैं, उन्होंने भी उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। कुछ लोगों ने इसका एनालिसिस जरूर किया, कुछ लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि राकेश टिकैत जो है वो धरना इसलिए दे रहे हैं कि इसके बाद धरना दिल्ली में लगाया जाएगा और अब चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जल्द ही, तो उसे लेकर वेस्ट यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो धरना वहाँ क्यों हो रहा है कोई नहीं जानता, उसकी वास्तविकता का खुलासा मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, किसान आंदोलन जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाज़ियाबाद हो, सहारनपुर हो, कोई भी जिला हुआ, बागपत हो, शामली हो, मुख्य मुद्दा रहा गन्ने के पेमेंट का। कि साहब जब गन्ने का सीजन चलता है किसान को पैसे की ज़रूरत होती है और शुगर मिल कई कई महीने का पेमेंट रोक कर रखते हैं। अब पेमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है, आज जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 फरवरी को, तो समझ लीजिए कि जनवरी के केवल लास्ट सप्ताह का पेमेंट बचा हुआ है, बाकी सारा पेमेंट किसानों के खाते में शुगर मिल्स डाल चुकी हैं। इसमें एक अपवाद स्वरूप है कि जो बजाज शुगर मिल्स की जो शुगर मिल हैं, कुछ 5-6-7 शुगर मिल उस समय लगी थी, जिसमें से 2 मुजफ्फरनगर में थी, 1 बुढ़ाना में जो राकेश टिकैत का इलाका है और दूसरी थाना भवन में जो अब शामली में चला गया है, जब मुजफ्फरनगर से शामली जिला अलग बना था। इन दो को, इन बजाज शुगर मिल्स को जो है वहाँ यहाँ पर लाइसेंस मिले थे मुलायम सिंह यादव के समय में, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी लास्ट टाइम, जब अमर सिंह उनके साथ हुआ करते थे, तो उन्होंने गठजोड़ करके बजाज को यहाँ पर शुगर मिल्स के ठेके दिलवाए थे। और ये सबसे बड़ी चोर ग्रुप है, किसानों का सबसे ज़्यादा पेमेंट ये रोक कर रखती है। इसके अलावा किसी के पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सभी समय से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, तो किसानों का तो इसमें कोई मुद्दा रहा ही नहीं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया मैंने, और एक खास बात और भी है, क्योंकि पिछले दिनों एक उपचुनाव हुआ था खतौली क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर जिले की खतौली तहसील है, वहां पर एक उपचुनाव हुआ था जिसमें आरएलडी ने बीजेपी को हराया था। उसके बाद से ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि साहब टिकैत का प्रभाव है या भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव है, इस वजह से ये क्षेत्र में आरएलडी का प्रत्याशी जीत गया। इससे पहले 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बुढ़ाना विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर जिले की, जहां राकेश टिकैत का गांव आता है सिसोली, उस क्षेत्र में, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने बीजेपी को हरा दिया था। तो कुछ ये मैसेज देने की कोशिश की जाने लगी थी कि साहब जो किसान आंदोलन के समय राजनीतिक रूप से इनका प्रभाव बढ़ा है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको इन्होंने सपोर्ट किया है, इसका प्रभाव है।
लेकिन हकीकत बात यह है कि वो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं था। एक तो लोकल विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, खतौली में जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर विक्रम सैनी जो बीजेपी के विधायक थे, जिनको डिस्क्वालिफिकेशन के कारण अपनी सीट गंवानी पड़ी, उनकी पत्नी उनकी जगह प्रत्याशी थी, उनके खिलाफ नाराजगी थी। बहुत ही व्यवहार के खराब व्यक्ति थे। इसी तरह से बुढ़ाना में उमेश मलिक जो विधायक थे बीजेपी के, उनको लेकर भी बड़ा विरोध था, इसी वजह से उनकी हार का सामना करना पड़ा। और उपचुनाव में बसपा का प्रत्याशी भी खतौली में मैदान में नहीं था, इस वजह से आरएलडी को उसका बेनिफिट मिल गया था। लेकिन अब राकेश टिकैत को ये गलतफहमी हो गई है कि साहब हम राजनीतिक रूप से प्रभावी हो गए हैं, कम से कम मुजफ्फरनगर में तो केवल एक बीजेपी का विधायक रह गया है, बाकी 6 में से 5 सीटों पर विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के हैं। तो इससे इन्हें लगा कि यार हम कुछ भी चाहेंगे तो वो करवा लेंगे। खैर मैं आपको कुछ इस जो धरना चल रहा है इस पर लेकर आता हूँ, इस मुद्दे को लेकर। दरअसल ये जो धरना चल रहा है उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि किसानों के मुद्दों को लेकर चल रहा है। जी नहीं, किसानों के मुद्दे को लेकर नहीं चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन का जो युवा संगठन है उसके जिला अध्यक्ष हैं कपिल सोम, उन पर लगभग 3 महीने पहले एक 307 का मुकदमा लगा, जो हत्या वाला मामला बनता है। तो उस तरह का एक मामला था, उनके रतनपुरी थाना क्षेत्र है उनका, मुजफ्फरनगर जिले में ही उसके वो रहने वाले हैं, और उन पर 3 महीने पहले वो मुकदमा लगा और वो तब से जेल में है। ये आंदोलन कायदे से प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए राकेश टिकैत ने शुरू किया है, लेकिन मीडिया जो नेशनल मीडिया है हमारा, जो दिल्ली में बैठकर वीडियोस बनाते हैं या दिल्ली में बैठकर चैनल की कवरेज करते हैं, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। सब सोच रहे हैं कि वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। नहीं, मैं आपको पूरे सबूत के साथ ये चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ कि वास्तव में अपने जिलाध्यक्ष को 307 जो धारा उन पर लगाई गई है, जो वो जेल में गए हैं कपिल सोम, उन्हें बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए धरना शुरू किया गया। और ख़ास बात और बताऊँ मैं आपको, धरना कहाँ हो रहा है? मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर राजकीय इंटर कॉलेज है, GIC जिसको कहते हैं, सरकारी कॉलेज है जो, उसके ग्राउंड में हो रहा है। उस ग्राउंड का इस्तेमाल अक्सर चुनावी रैलियों के लिए किया जाता है, हेलीकॉप्टर तक उतर जाते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां उसमें होती हैं। अगर उस ग्राउंड को भरना हो तो उसमें 1 लाख लोगों की जरूरत पड़ती है, उसमें इन्होंने अपने तंबू लगा लिए हैं। जबकि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के समय में जब धरने लगा करते थे भारतीय किसान यूनियन के, अगर अपने किसी कार्यकर्ता के समर्थन में लगते थे तो जो DM का दफ्तर होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो दफ्तर होता था, उस पर जाकर धरना दिया करते थे महेंद्र सिंह टिकैत। अब इन्हें बैठा दिया गया है, प्रशासन ने कह दिया कि यहाँ नहीं, आप जाइए और गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में बैठिए, और वहाँ अगर ये 6 महीने भी बैठे रहेंगे तो योगी सरकार के कान पर जूं रेंगने वाली है नहीं। आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, और ये वीडियो क्लिप है 7 जनवरी की, खतौली तहसील है मुजफ्फरनगर जिले की, वहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा था कि हम कपिल सोम को छुड़वाने के लिए ये धरना कर रहे हैं। जरा इस क्लिप को सुनिए। बहुत भाषण दे रहे, दिन छिपरा और घर जाने की तैयारी कर ली, पहले भाई घर भी चलना है। देखो दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, सुन लो भाई, कि आप बीजेपी ज्वाइनिंग कर लो, फिर कोई झंझट ही नहीं, क्यों खामखा राड कर रहे, हमारे साथ में भी कर रहे हैं भाई, और के साथ में भी कर रहे। जिसको एक विचारधारा वो रास्ता हो जाता है, आप वो कर लो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है आंदोलन का रास्ता, जिसको आंदोलन के रास्ते पे चलना है वो हाथ उठा दो, ठीक। हाँ, कपिल को हो गए हैं 2 महीने, वो दूध नहीं पी रहा, वहां पे नस पे है पास में चारपाई। जो लोग आज से दूध छोड़ेंगे वे लोग हाथ उठा दो, जो लोग आज से नीचे सोएंगे, जेल का जीवन व्यतीत करेंगे वे लोग हाथ उठा दो, जो लोग जितने दिन कपिल सोम जेल में रहेगा वे आंदोलन में बाहर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइनिंग करनी है वो जा सकता है, 28 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। जितने दिन कपिल जेल में रहेगा एक आदमी मुजफ्फरनगर का वो आंदोलन का भागीदारी होगा, अपने घर नहीं जाएगा,
कपिल सोम का पूरा परिवार जेल में जाता है मिलने, और हम लोग घर में सोचते हैं शराब आनी चाहिए। हमारा अध्यक्ष है वो, एकता कादमी जेल में जाओगे, एकता कादमी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, किसी पे आज होगा, किसी पे दो दिन बाद में होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये धरना प्रदर्शन से लगभग 20-25 दिन पहले का जो वीडियो क्लिप है वो मैंने आपको दिखाया, इसमें आप सब चीज़ें स्पष्ट देख रहे हैं। तो किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, केवल अपने एक कार्यकर्ता को छुड़वाने के लिए, प्रशासन पर दबाव डालने के लिए ये धरना प्रदर्शन राकेश टिकैत और उनके लोग कर रहे हैं, जिसे पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं है, किसानों की कोई सपोर्ट नहीं है, केवल उनके संगठन के 150 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और रोज़ाना भाषणबाजी होती है, कभी नरेश टिकैत चले जाते हैं, कभी राकेश टिकैत चले जाते हैं, और अखबारों में खबर छपती है इस तरह की लोकल जो मीडिया में के साहब यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, किसानों के मुद्दे को लेकर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी किसानों के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन केवल अपने युवा मोर्चे का जो जिला अध्यक्ष है उसको बचाने के लिए राकेश टिकैत कर रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक उनको उनके खिलाफ जो धाराएं हैं वो वापस नहीं ली जाएंगी तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। तो ये सारी की सारी कहानी है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पंजाब में सारे जितने भी किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर बैठे थे, आपको याद होगा कि पंजाब के चुनाव में सारों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, एक भी नहीं जीत पाया। तो राजनीति में सफलता का तो इनका इतना आधार है, बस मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली का मीडिया ये गलत फहमी पाले हुए है कि इस समय राकेश टिकैत और उनका जो संगठन है किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा है, ये बिल्कुल गलत खबर है। असली मुद्दा यही है कि अपने एक नेता को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। मैं अखबारों में कुछ छपी हुई कटिंग्स भी आपको दिखा सकता हूँ जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे अपने नेता को बचाने के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये धरना है जिसमें लिखा गया है कि भाकियू 28 से करेगी अनिश्चितकालीन धरना, युवा जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन की तैयारी, खतौली में हुई महापंचायत। ये 8 जनवरी को ये खबर छप चुकी है, लेकिन दिल्ली का मीडिया है और उन्हें ये लगता है कि साहब यहाँ तो किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको गलतफहमी है, जो बुलबुला है वो फूट चुका है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करा लें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।